और अगर आज आप अपने हालात देखें तो बड़ी वजह यह है कि जब भी मुसलमान शाह उतर जाता है वो वापस जाता है मदीना की रास्ते के सूबे के पर और खूब आता है जब वो नीचे आता है तो उनसे हमारे लिए आज सबको ये सोचा जाए जब तक हम आजाद हो लोगों को गुलाम रखते हैं आजादी के लिए लड़ता है या आजादी में जरूरत का रुपा भी क्योंकि बन सकते गुलाम की प्रवास कुछ नहीं होती गुलाम को भी ऊपर नहीं जा सकते सिर्फ आजाद इंसान ऊपर जाते जो कि अगर आप ब्लॉक करेंगे तो आजाद इंसान अगर वो इंसान से खतरे का इंतजार है कोई कानून के ऊपर नहीं बेटी की अगर जन्म करेगी सजा मिलेगी बड़ी काम है तुम्हारे से पहले तबाह हुई जनता के घर की नीयत लग हुई वो चोरी करता था उसको पकड़ता नहीं थी उसे किसी चोरी को जेल में डाला जाता था तो तबाह हो जाती हजरत उमर हजरत अबू बकर हजरत अली पहले पहले जब वो खलीफा बने पहले बयान में करते थे इंसाफ कर दो पता के पास कानून के लिए लिखी वो सबसे बड़ी एक मुसलमान लाश की बनी सबसे पहला काम आदमी इंसान करेंगे कभी कर सकते खुशहाल नहीं हो सकते हो सकते मुझे माइशी भाई का बना दिया पाकिस्तान को जाने पर यहाँ पर पैरिस में आ गया कोई आज तक ये चिंता के लिए पैरिस के लिए चिंता के लिए जब तक इंसाफ नहीं होता जमात नंबर वन 140 घंटे में भी रख रहा है इंसाफ के इंडेक्स पे 140 के करीब जनमत नंबर वन है पाकिस्तान 129 नंबर है 140 में से और वहां 80,600 डॉलर उनकी औसत के लिए 80,600 डॉलर और पाकिस्तान की 1,600 क्योंकि वो इंसाफ है वो खुशहाल और पिछाई उठा के दे जब हिंदुस्तान में कोई आया ऐसा हुक्मरान जिससे इंसाफ कायम किया खुशहाल हो गया गर्दन की तारीफ उठाई और आवाजें रुके रहे इंसाफ करने वाला बिना खुशहाली आ गई संसार एक झाले में हुक्मरान आता था एकदम आवाम वही एक सरकार से क्या करते थे तो हमारा भी आज मिसाल दुनिया में भी नहीं देखी जिन जिन मुल्कों में इंसाफ है वो खुशहाल है जिन में नहीं है वहां मिसाल के बावजूद और ये जो आज मैं आप सबसे उनको कौन समझना चाहता हूँ कि कभी कोई आजादी आपको दुनिया की तारीख में कभी किसी ने आप जिंदगी को खुद ही खोल के लिए जिंदगी तोड़नी पड़ती आजादी के लिए जदोजहद करनी पड़ती जहाद करनी पड़ती जब आप अपनी आजादी लेते हैं तो आपकी प्रवास भी लेते हैं हमारा ये बात है इसमें पाकिस्तान कि जब आप इंसानी हकूक काम ताकतवर जो मर्जी के चोरी करो और ऐना होने लें और दूसरे लोग अपने हैं अगर वो उनसे कहे कि हम आइन चाहते हैं तो पकड़ पकड़े जेल में डाल जेलों के अंदर उनके उनसे तशद्दुद किया गया ये भी निजाम में चल सकता और इस निजाम में ये फैसला कर रहे हैं कि अगर आपने ये निजाम को चलने दिया तो आपको कोई मुस्तकबिल नहीं और ये अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन के देखो कितनी क्यों ने मेरे तबाह की जगह है जमीन के लिए वो कहते हैं और आप देख लें कि दुनिया की तारीख में कितने बड़े बड़े सिविलाइजेशन आए और तबाह हुए सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम जमीन